दर्शकों को पसंद आते हैं बोल्ड सीन। यह एक दिलचस्प सत्य है कि आज मुंबई फिल्मों के कई ऐसे निर्माता हैं जो बोल्ड सीन को लेकर उतावले रहते हैं और फिल्मों में बोल्ड सीन डालना जरूरी समझते हैं। हाल ही की फिल्मों को देख लीजिए, ज़्यादातर ऐसी फिल्में हैं जिनमें या तो हीरोइन कम कपड़ों में दिखाई देते हैं या फिर हीरो हीरोइन के बोल्ड सीन होते हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें ऐसे सीन हैं। हाल ही की कुछ फिल्में देख लीजिए, काबिल, ओके जानू, मेरी प्यारी बिंदु, हाफ गर्लफ्रेंड। हाल में प्रदर्शित ज्यादातर फिल्मों में यह बातें एक रूटीन मसाले के तौर पर आती हैं। फिल्म रंगून में जबरदस्त के सीन दे चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत कहती हैं कि ऐसे सीन कोई जरूरी नहीं है, पर कहानी को आगे बढ़ाने में ऐसे सीन बहुत अच्छे साबित होते हैं, और कहा कि मैं इस बात पर यकीन करती हूं कि ऐसे सीन दर्शकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं। असल में दर्शक तो एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड के निर्देशक मोहित सूरी भी कुछ ऐसे ही मानते हैं। उनका कहना है कि दर्शक ऐसे सीन में मजे लेते हैं, यह एक गलत धारणा है और मैं भी ऐसे सीन के विरोध में हूँ। टू स्टेट्स की तरह मेरी इस फिल्म में भी कुछ ऐसे एंटीमेट सीन हैं, पर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आज की न्यू जनरेशन ऐसे सीन को पचा नहीं पाती है। वह पर्दे पर खुल्लम खुल्ला प्यार देखना चाहते हैं। इनको तभी अपने अफेयर पर यकीन होता है जब दोनों खुलकर प्यार करते हैं। किस और बोल्ड सीन के मामले में करणधीर आदित्य चोपड़ा ने तो जैसे सारी हदें पार कर दी हैं। कुछ महीने पहले रिलीज हुई फिल्म बेफिक्रे के रणवीर सिंह और वाणी कपूर ने तो पर्दे पर किसकी बौछार लगा दी थी। बेफिक्रे की पूरी कहानी में सिर्फ किस सीन ही नजर आते हैं। निश्चित तौर पर यह आदित्य की सबसे बेकार फिल्म है। यह थी SM न्यूज रिपोर्ट।